So, hello, friends. Once again, welcome to my channel Art with BJ. तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम आज क्या बनाने जा रहे तो आज हम कुछ क्रिएटिव बना बनाएंगे जो कि हम बनाएंगे क्लिप आर्ट तो जिसमें कि हमें चाहिए कुछ वाइट कलर के नील पेंट्स और कुछ क्लिप्स और जैसे कि दि, आपको दिख रहा है कि मैं वाइट नील पेंट से कैसे क्लिप पे कलर फिल कर रहा हूँ तो आपको भी इसी तरह से कलर फिल कर देना है अच्छी तरीके से और आप फैब्रिक कलर यूज़ कर सकते हैं ये फिल करने के लिए पर मैंने फैब्रिक कलर से ट्राई किया था उतना अच्छा नहीं हुआ तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप वाइट कलर के नेल पेंट यूज़ करें जिससे और भी अच्छा दिखता है तो जैसे ये फिल हो जाता है इसको थोड़ा देर हम धूप में सुखा लेते हैं अराउंड टू टू थ्री मिनट्स तो ये सूखने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है और अब आप, आपको यूज़ करना है कि फैब्रिक कलर तो फैब्रिक कलर यूज़ है जिसमें हम पहले ब्लू और वाइट निकालेंगे तो इसमें हम डार्क ब्लू है तो इसको हम लाइट ब्लू बनाएंगे तो ब्लू हल्का सा लेके और वाइट हल्का सा लेके दोनों को मिक्स करेंगे और जैसे मैं फ़िल कर रहा हूँ आपको भी उसी तरह फिल कर देना है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 प्लीज, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलती रहे तो जैसे मैं फ़िल कर रहा हूँ आपको भी उसी तरह से फिल कर देना और थोड़ा देर सूखने के लिए रख देना है वो फर्स्ट कोट कर रहे हैं अभी हम अभी हम यूज़ कर रहे हैं रेड और वाइट तो इसको हम थोड़े से पिंक टाइप के बनाएंगे तो जैसे आपको दिख रहा है वीडियो में कि हम पिंक यूज़ कर रहे हैं तो आपको भी इसी तरह बना देना है तो जैसे ये फिल कर रहा हूँ आपको भी उसी तरीके से फिल कर देना है तो आगे भी मैं क्लिप आर्ट लेके आते रहूँगा ये तो पार्ट वन है और जैसे वो हो गया तो हमने देखा कि आपने सूखने के लिए दिया था तो जैसे ये ड्राई हो जाता है तो फिर से सेकंड कोट हम इसमें पुट करेंगे क्योंकि ताकि और भी अच्छा दिखे तो जैसे सेकेंड कोट पूर, कोड पुट कर रहे दिख आप देख सकते हो कि थोड़ा सा डार्क आ जा रहा है क्लिप में डार्क कलर आ जा रहे इफेक्ट्स तो आपको भी उसी तरह सेकेंड कोट भी यूज़ करना है तो जैसे दिख रहा है तो उसको भी थोड़ा सूखने देंगे पिंक वाले के भी सेकंड कोट हम इसके ऊपर सेकंड कोट चढ़ाएंगे हाँ चढ़ाएंगे और अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो प्लीज़ 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 मुझे फॉलो कर दीजिए आर्ट विद चाहिए अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टा अकाउंट पे तो जैसे सेकंड कोट फिल हो जाता है तो ये ड्राई होने के बाद तो आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा ब्लू अच्छे से नहीं आया तो इसीलिए हम फिर से थर्ड कोट भी कर रहे हैं इसमें तो थर्ड कोड आप देख सकते हैं थर्ड कोड भी हम कर रहे हैं थोड़ा डार्क से कर रहे हैं तो जैसे थर्ड कोड फील हो जाता है हमको करना क्या है कि अब हमको इसको थोड़ा देर सूखने के लिए दे देना है जैसे ये तो इसमें और थर्ड कोड नहीं चाहिए पिंक वाले में तो हम लेंगे व्हाइट और पतला ब्रश लेंगे एक नंबर या जीरो नंबर भी ले सकते हैं अब जैसे मैं फ्लावर्स बना रहा हूँ आपको भी उसी तरीके से हल्का हल्का फ्लावर्स बना देना है उसमें क्लिप्स में तो जैसे फ्लावर्स बना रहा हूँ आपको भी इसी तरीके से फ्लावर्स बना देते रहना है बना देते रहना है तो बेसिकली ये फ़र्स्ट पार्ट है मतलब मैंने दो डिज़ाइन ही क्रिएट किया है अभी तक मतलब चार क्लिप्स में और बाकी क्लिप्स है तो मैं उसको कुछ सोच के क्रिएटिव और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाते रहूँगा और तो उस वीडियो में भी देख लीजिएगा कि कुछ क्रिएटिव दिखेगा आपको उस वीडियो में तो ये हो जाने के बाद अब हम करेंगे कि इसके ऊपर ग्लिटर चढ़ाते हैं तो ग्लिटर नेल पेंट आप ला सकते हो तो ग्लिटर नेल पेंट से हम पुट कर रहे हैं और अगर आप मेरे वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ 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 प्लीज, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलते रहे तो अब आप आपको करना क्या है कि ऑरेंज से हल्का हल्का उसके बीच में फ्लावर्स के बीच में पुट कर देना है जैसे अभी मैं पुट कर रहा हूँ तो आपको भी ताकि और भी अच्छा दिखे तो हो जाने के बाद हम कलर्स बंद कर देते हैं और आप देख सकते हो कि कितना प्यारा दिख रहा है ये और वो हो जाने के बाद अब हम इसमें करते हैं येलो इसमें हम बनाएंगे सनफ्लावर तो सनफ्लावर बना रहे हम तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं आर्ट विद विजय लिंक इन डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा और आपको कोई भी क्वेरी चाहिए तो वहाँ पर आप मुझे डीएम कीजिए आपको मैं क्वारी सॉल्व कर दूँगा तो फेबरिक कलर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आप वहाँ से भी ले सकते हैं और ऊपर आपकी मर्जी तो जिस तरह से हम फ्लावर्स बना रहे हैं आपको भी उसी तरीके से फ्लावर्स फिल कर देना है बना देना है अब ये हो जाने के बाद हम ब्राउन कलर से उसमें बनाएंगे उसके बीच बीच में हल्का हल्का डॉट्स देंगे ताकि और भी अच्छा दिखे तो जैसे ये मैं फ़िल कर रहा हूँ आपको भी उसी तरीके से फिल कर देना है तब तो ये हो जाने के बाद आपका करना क्या है कि ब्लैक से थोड़ा बहुत दे देना तो लगभग हमारे डिज़ाइनिंग क्लिप्स बन चुके हैं आपको भी इसी तरीके से बना देना है और क्रिएटिव और आगे भी बने रहो